हॉटस्टार का दोस्तों 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसका प्राइस होता है 149 रुपये, ठीक है। 3 महीने का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसका प्राइस 149 रहता है। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन रहता है वो 500 रुपये का रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, मैं एक ऐसा तरीका इस वीडियो में बता रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। मैं जिस तरीके के से आपको बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, अगर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन चाहिए थोड़ा बहुत उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, उस तरीके से लेना आप लोग, ठीक है। ये तरीका आप बिल्कुल गलत है लेने का 149 रुपये में, ठीक है। सो आपको क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लेना है। आपकी अगर VI की सिम है, ठीक है, VI की अगर आपके पास सिम है तो आपको क्या करना है, VI के अंदर मैं जाकर आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर क्या रहता है कि एक OTT पैक है जिसका प्राइस है 151 रुपये, उसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल रहा है 3 महीने के लिए, और उसके साथ में आपको मिलेगा 8 GB डेटा 30 दिन के लिए। मतलब कि अगर आप लोग देखें कि जैसे मतलब कूपन होता है, 1 GB डेटा कूपन होता है, ठीक है, वो आपको 10 रुपये में पड़ता है, 8 GB डेटा मिल जाएगा। 8 GB डेटा का वैल्यू कितनी हो गई, 8 GB डेटा की वैल्यू होती है 80 रुपये। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सो मैं उस रिचार्ज के बारे में आपको बता देता हूँ, ये वाला रिचार्ज है 151 रुपये का। इसमें आपको 3 महीने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिल रहा है और 8 GB डेटा मिल रहा है। तो आपको सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जाकर वो वाला सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आप अपने VI की सिम में ये वाला रिचार्ज कर लीजिए। इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो मिलेगा ही मिलेगा 3 महीने के लिए, उसके साथ में आपको 8 GB डेटा भी मिल जाएगा भाई, 30 दिन के लिए 8 GB डेटा, मतलब 80 रुपये का यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस तरीके का यूज़ करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार लेते हैं अगर, ठीक है। तो इस तरीके का यूज़ करके लेना।